नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगातें दी है। अशोक गहलोत ने जयपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग को बड़ी सौगातें दी है। अशोक गहलोत ने 1038 करोड़ रुपए के 47 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और 294 करोड़ रुपए के 21 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने 1332 करोड़ के 68 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। यह शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री आवास में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस से स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में इस जन आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को यूडीएच की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाउसिंग बोर्ड की अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से प्रदेश के 13 शहरों में 1681 दुकानें और व्यावसायिक भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह योजना 2 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है। पंचायत राज चुनाव को लेकर आपको बड़ी खबर दे दे, 28 सितंबर को प्रदेश के पहले चरण के पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद अब आज यानी कि 29 सितंबर को चुने हुए प्रतिनिधि उप सरपंच का चुनाव करेंगे। पहले चरण के 934 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच 83.50% लोगों ने वोट डाला है। राजस्थान की आपको एक और बड़ी खबर दे दे, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज दोपहर 1 बजे अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें वह कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत संदेश दे सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, कृषि बिल के विरोध में देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है। 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकार को जारी कर दी है। यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, इस बार 1 अक्टूबर से पहले ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। राजस्थान की एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना काल में स्कूलों को नियमित खोलना खतरे से खाली नहीं है। राजावत ने कहा है कि इसीलिए इस फैसले से सरकार को बचना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सरकारी विद्यालयों में बोर्ड कक्षाओं में 5-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर उन्हें 1-1 घंटे का समय दिया जाए, ताकि छात्र अपनी समस्या का समाधान करवा सके। तो ये थी प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।